हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में नबार्ड भी बोलते हैं। आपका ये थर्ड यूनिट का टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ आपको क्या क्या लिख के आना है एग्जाम में। तो आप लोग पहले लिखेंगे फॉर्मेशन, मतलब इसको कब स्टार्ट किया गया। तो आप लोग डेट बताएंगे 12 जुलाई 1982 में आपका नबार्ड को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ है, मुंबई में है जो इंडिया में है, आपको ये बताना है। सेकंड पॉइंट, ऑनर, मतलब किसके अंडर में ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपका आता है, किसके अंडर में इसको लिया गया है। तो आप लोग बताएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों के अंडर में इसको लिया गया है, ठीक है। पर्पज, मेन इसका क्या उद्देश्य है। तो पहला आप लोग ये बताइएगा कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मतलब इसका मेन पर्पज क्या है कि इम्प्रूवमेंट कराना एग्रीकल्चर के फील्ड में, कृषि के क्षेत्र में वृद्धि कराना इसका मेन पर्पज है, ठीक है। मतलब फसलों को उपजाऊ कराना, मिट्टी आपकी अच्छी हो, नमी हो आपकी, उर्वरक हो, ठीक है, जिसमें फसल अच्छे से अच्छा उत्पन्न हो सके और लोगों को भोजन की, अनाज की कोई दिक्कत ना आ सके। तो इसका मेन पर्पस यही था कि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट कराया जा सके जिससे लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो अनाज पाने में, ठीक है। सेकंड आप लोग क्या बताएंगे, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट का क्या है कि जो रूरल एरिया के लोग थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब गरीब थे, ठीक है, तो उनका डेवलपमेंट कराना, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव होगी, उनको एम्प्लॉयमेंट दीजिए, उनको लिटरेसी दीजिए, शिक्षा दीजिए, ठीक है, और उनको नॉलेज, मतलब जिस चीज़ में वो माहिर हैं उस चीज़ पे उनको और अच्छा नॉलेज दीजिए, तो और अच्छा काम उस पर करेंगे, तो इन्हीं से आपका रूरल डेवलपमेंट होएगा, ठीक है। मतलब एक प्रकार से आपको लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव कराना, उनकी नॉलेज को इम्प्रूव कराना और उनके एटीट्यूड को इम्प्रूव कराना आपका रूरल डेवलपमेंट में आता है। और अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो उस गांव का, उस जगह का, उस ग्रामीण क्षेत्र का विकास होता है। तो आपका सेकंड पर्पस ये था, ठीक है। तीसरा था क्रेडिट प्लानिंग, इसका क्या मतलब है, ऋण योजना। हाँ, ऋण योजना मतलब स्टार्ट करना कि जैसे कोई भी जगह है आपकी, वहाँ पे कोई भी रूरल एरिया है, वहाँ पे लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं, तो ये एक प्रकार से ऋण देता था लोगों को, मतलब एक प्रकार से लोन देता था, ठीक है, कि लोग अपना लोन ले सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, कम से कम इंटरेस्ट में ये लोन देता था कि अपनी लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। लोन किसी भी प्रकार का हो सकता था, एजुकेशन के फील्ड में, होम के फील्ड में, किसी प्रकार का भी लोन हो सकता था। तो आपका एक ये भी इसका मेन पर्पस था। तो अब देखिए इसमें क्या है, आप लोग पहला पॉइंट आप क्या बताएंगे, नबार्ड इज एन एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। इस पॉइंट का सिंपल सा ये मीनिंग है, जैसे हमारा RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो अपने रूल एंड रेगुलेशन सेट करता है जितने भी अदर ब्रांचेज होती हैं बैंक, मतलब जितने भी अदर बैंक्स होते हैं उन पे हमारा वो अपना रूल एंड रेगुलेशन सेट करता है, ठीक है। जैसे SBI बैंक हो गया, BOB हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, या जो भी बैंक हैं, इन सब पे अपना RBI जैसे रूल एंड रेगुलेशन सेट करता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी ये पॉइंट ये बता रहा है कि नाबार्ड जो है वो अपने रूल एंड रेगुलेशन जो है सेट करता है जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स थे वहाँ उस टाइम पे, उन सब पे ये अपना रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है। तो इसीलिए आपका ये एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, मतलब ग्रामीण बैंक्स पे ये आपका रूल एंड रेगुलेशन सेट करता है, कौन, नाबार्ड, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, इट इज अंडर द ज्यूरिडिक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ, ये मैंने अभी बताया था आपको कि ये किसके अंडर में आपका आता है, किसके ज्यूरिडिक्शन में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आपका नाबार्ड आता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, द बैंक हैज बीन इंटरेस्टेड विद मैटर्स कंसर्निंग पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज इन इंडिया। इस पॉइंट का ये मतलब है कि जो नबार्ड था वो सेट करता था
क्या क्या चीज़ें सेट करता था, जो भी आपके मैटर्स होते थे गवर्नमेंट के द्वारा, जो मैटर स्टार्ट किए जाते थे कोई भी पॉलिसी पे, मतलब नई नई जो स्कीमें आती थी उन चीज़ों को स्टार्ट किया जाता था, और योजनाएं मतलब प्लानिंग की जाती थी, ऑपरेशंस किए जाते थे किन 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 फील्डों में, एग्रीकल्चर के फील्ड में या अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के फील्ड में, गांव में, रूरल एरियाज में, इंडिया के, ये अगर चीज़ें की जाती थी तो आपका नबार्ड जो है इन सब चीज़ों को सेट करता था, मतलब लेन देन जो होता था पैसों का ये आपका सेट करता था, ठीक है। तो आपको यही बताना है कि गवर्नमेंट द्वारा कोई भी अगर पॉलिसी, प्लानिंग एंड ऑपरेशन उस टाइम पे किए जाते थे किन किन क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर के या अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के क्षेत्रों में, रूरल एरिया में, तो आपका ये क्रेडिट मतलब पैसे के लेन देन को ये देखता था और उनको सेट करता था। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए क्या होता है, टेक बैंकिंग टू द डोर स्टेप्स of the rural masses and particularly in areas without banking facilities, ठीक है। इस पॉइंट का ये मतलब है कि आप लोग बैंक को, मतलब आप लोग लोगों के जो रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके घर तक जाइए, उनके दरवाजे तक जाइए और उनको बताइए कि आप लोग अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं बैंक से लोन लेके, ठीक है। यही चीज़ें बता रहा है आपका पहला पॉइंट कि आप लोग लोगों के घर दरवाजे तक जाइए और आप लोग लोन लेके अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी आपको कम इंटरेस्ट में हम लोग लोन देंगे और आप लोग अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इन एरियाज विदाउट बैंकिंग फैसिलिटीज। हाँ, उस एरिया में ज़रूर जाइए जहाँ पे कोई भी बैंकिंग फैसिलिटीज ना हो, जिस भी एरिया में, रूरल एरिया में बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है वहाँ पे ज़रूर आपको ये चीज़ें बतानी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था पहला, ठीक है। सेकेंड देखिए क्या है, मेक अवेलेबल चीपर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हाँ, जो रूरल एरिया के वीक सेक्शन थे, वीकर सेक्शन थे, मतलब कमज़ोर, मतलब बहुत गरीबी रेखा से भी बहुत नीचे आते थे, उन सेक्शन में जो लोग आते थे उन लोगों को आप सस्ते में, मतलब जो ऋण दिया जाएगा उनको, जो लोन दिया जाएगा उन लोगों को, उनको कम इंटरेस्ट के साथ वो लोन दिया जाएगा, आप बाद में हमारा लोन चुकाइएगा, लेकिन अभी आपको हम दे रहे हैं आपका लाइफ इम्प्रूव हो सके, इन सब चीज़ों को देखा गया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, ठीक है। थर्ड देखिए क्या है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरिया। इसका एक ये भी ऑब्जेक्टिव था कि जो वहाँ के लोग रह रहे हैं उन लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दीजिए, जिससे वो लाइफ को, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो अपनी अच्छे से जी सकें, ठीक है। मतलब एक प्रकार से उनको जो आप लोग एम्प्लॉयमेंट दीजिए जिससे वो अपनी लाइफ बेहतर कर सकें, तो एक इसका ये भी मेन ऑब्जेक्टिव था नबार्ड का, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट। हाँ, इस पॉइंट का यही मतलब है कि आप लोग जो लोन दे रहे हैं, अगर बाद में वो लोन हम चुकाएगा जो भी ले रहा है इस लोन को, तो उसको वो लोन हम जो दिए हैं कम इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ब्रिंग डाउन द कॉस्ट, मतलब ऋण जो है कम करिए, पैसा जो है कम करिए इंटरेस्ट का। तो ये आपका एक ये भी ऑब्जेक्टिव था कि आपको लोन दिया जाएगा और आपको बाद में कम इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके चार ऑब्जेक्टिव हो गए नबार्ड के, थैंक यू, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।